आपको कई बार साधक मिले होंगे या अभी अनुभव कुछ साधक बता रहे होंगे, स्वामी जी को मिलने के बाद में ये चमत्कार हो गया, वो चमत्कार हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कई बार साधक भी आके मेरे को बताते हैं, स्वामी जी ऐसा चमत्कार हो गया, वैसा चमत्कार हो गया। कुछ नहीं, मैं सुनता हूं, मैं तो पहली बार सुनता हूं, मुझे चमत्कार हुआ ना, मेरे को मालूम भी नहीं रहता है, वो बताता तब मैं पहली बार सुनता, अच्छा हुआ क्या, ठीक है हुआ। तो आपको थोड़ा उसका एक अंतर बताता हूं, ये चमत्कार वमत्कार मैं नहीं करता। देखो एक प्रकार है, ये एक स्थूल शरीर है जिस शरीर को देखा जा सकता है, जिसको टच करके देखा जा सकता है, और दूसरा एक सूक्ष्म शरीर है। वो तो सूक्ष्म शरीर से प्रत्येक साधक का संबंध निजी है, वो प्रत्येक साधक के साथ जुड़ा हुआ है, और वो शक्तियों का शरीर है जो साधना की, जो ध्यान किया, उन ध्यान से जो शरीर का निर्माण हुआ है वो सूक्ष्म शरीर है। तो एखादे साधक की श्रद्धा, एक साधक का विश्वास अगर शरीर के प्रति हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का कारण उस साधक के जीवन में चमत्कार घटित हो जाते हैं। लेकिन मैं चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं करता, मैं उनसे अलग हूं, सूक्ष्म शरीर अलग है, मैं अलग हूं, वो सामूहिकता का शरीर है, वो कलेक्टिविटी का शरीर है, वो नाशवान नहीं है, ये नाशवान है, ये नष्ट हो सकता है, नाश हो सकता है, वो कभी नाशवान नहीं होगा, वो नष्ट नहीं हो सकता, वो सदैव विद्यमान रहेगा। और वो जो टीवी कार्यक्रम का आपको बताया था वो उसी शरीर के माध्यम से सफल हो सका था। तो उस सूक्ष्म शरीर की तरफ देखो, उस सूक्ष्म शरीर को माध्यम बनाओ, उस सूक्ष्म शरीर से अपना संबंध जोड़ो, तो एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ आप अनजाने में जुड़ जाओगे। उसके साथ बहुत बड़ी सामूहिकता है, बहुत शक्तियां हैं, उन शक्तियों के साथ आप जुड़ जाओगे। जैसे आप जुड़ जाओगे आपके जीवन में एक नई तब्दीली आ जाएगी, एक चेंज आ जाएगा, एक बदलाव आ जाएगा, केवल शक्तियों के साथ जुड़ने मात्र से। लेकिन कई बार अभी बुद्धि की प्रधानता है ना, बुद्धि डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे बढ़ रही, तो बुद्धि भ्रमित करती है, भ्रमित करती है, यानी जो सब लोग कर रहे हैं ना उससे और कुछ अलग करने के लिए आपको प्रेरित करेगी, नहीं नहीं इससे एकदम ये बढ़िया है, ये उससे ज्यादा अच्छा है। जो सामूहिकता कर रही है, जो कलेक्टिविटी कर रही है, उससे कुछ तो भी अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, ऐसा करके बुद्धि आपको प्रेरित करेगी और आपको उस सामूहिकता से अलग कर देगी। सीता जी का भी हरण रावण ने किया था ना, तो साधु बनकर के किया था, अगर राक्षस बनकर के करते तो होती क्या, नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से बुराइयां भी अच्छे का पैकिंग लेकर के आती है, अच्छा आवरण ओढ़ करके आती है, आपको अच्छा महसूस कराएगी, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है, उससे भी अच्छा है, जो साधक कर रहे हैं उनसे भी एक और ज्यादा अच्छा है। और ये अच्छे अच्छे के अंदर कब वो तुमको सामूहिकता से बाहर कर देता, वो तुमको तुम्हारा ही पता नहीं चलता। सामूहिकता की एक छतरी, एक बहुत बड़ी छतरी है, हजारों लाखों लोगों की छतरी है, उस लाखों लोगों की छतरी के भीतर अगर आप बैठोगे तो आप उस सामूहिकता के ऊपर कोई उपकार कर रहे हो क्या, नहीं। सामूहिकता आपके ऊपर उपकार कर रही है कि अपनी छत्र छाया आपको दे रही है, अपना सुरक्षा कवच आपको दे रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आने वाले खतरों से आपको बचा रही है, खराब वातावरण से बचा रही है, बुरे विचारों से बचा रही है, बुरे चित्त से बचा रही है। तो उसके नीचे बैठ करके तुम उस सामूहिकता के ऊपर उपकार कर रहे हो, नहीं, सामूहिकता तुम्हारे ऊपर उपकार कर रही है। और अगर अहंकार में आकर के तुम उस सामूहिकता के आगे चले गए, चार कदम आगे चले गए, हो सकता है तुम सब साधकों के आगे चले जाओगे लेकिन सामूहिकता में नहीं रहोगे, सामूहिकता से आगे चले जाओगे और आगे चले जाने में अलग थलग पड़ जाओगे। तो अहंकार में आकर के सामूहिकता के आगे भी मत जाओ,
और आलसीपन करके सामूहिकता के पीछे भी मत रहो। जैसे एक छतरी लेके चलता है कि नहीं आदमी, छतरी के आगे दौड़ोगे तो भी बरसात लगेगी, छतरी के पीछे रहोगे तो भी बरसात लगेगी। तो अगर बरसात से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, छतरी के नीचे रहना पड़ेगा। दो कदम भले ही धीरे चलो, दो कदम देर से पहुंचो, लेकिन सुरक्षित पहुंचोगे, शाश्वत स्वरूप में पहुंचोगे। कोई भी कार्य ऐसा मत करो जिस कार्य से तुम आगे चले जाओ, आगे जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप सामूहिकता से अलग हो जाते हो, सामूहिकता से दूर हो जाते हो। इसे किसी को बीमारी होती कि नहीं, डॉक्टर बोलता है एक गोली सुबह ले, एक गोली शाम को ले, डॉक्टर ने बताया एक एक गोली, एक एक गोली नहीं खाई तो भी बीमारी नहीं जाएगी, और एक एक गोली की जगह दो दो गोली खाई तो भी तकलीफ खड़ी होगी। तो क्या करना पड़ेगा, एक गोली सुबह खाओ, एक गोली शाम को खाओ, डॉक्टर ने जो कहा वही कहो, उससे अधिक भी करोगे तो नुकसान है, कम भी करोगे तो नुकसान है। इसलिए अधिक करना, श्रेष्ठ करना, सर्वोत्तम करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। सबके साथ करना, सबके साथ रहना, सामूहिकता में रहना, कलेक्टिविटी में रहना ही परमात्मा के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। परमात्मा सामूहिकता में है, परमात्मा कलेक्टिविटी में है। तो आपको भी ध्यान करके, मेडिटेशन करके सामूहिकता के साथ बनाए रखने का है। कभी भी कोई भी अगर आपको विचार आया, जो विचार आपको बता रहा है कि ये सामूहिकता से बहुत बढ़िया है, सब साधकों से ये बहुत अच्छा है, समझ लो ये आपको बाहर फेंक रहा है, ये आपको सामूहिकता से अलग कर रहा है। अच्छा पैकिंग देके करेगा, आपको बताएगा इससे बहुत बढ़िया आता है, बहुत अनुभव आता है, बहुत अच्छा है। तो सावधान हो जाओ, ये अहंकार का दूसरा रूप है जो बुद्धि के मार्ग से आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। बाधाएं, बाधाएं वो थोड़ी है, बाधाएं सब बुद्धि के माध्यम से आती हैं, क्योंकि आजकल सब बुद्धिवादी जमाना है। आज के युग में अच्छा एक्सपर्ट डॉक्टर तैयार हो रहा है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छा हार्ट स्पेशलिस्ट तैयार हो रहा है, लेकिन हार्ट विहीन। वो बोलेगा इतना मेरा फीस है, दोगे तो करूंगा ऑपरेशन, नहीं तो मर। माने आज के शिक्षा के कारण बहुत एक्सपर्ट तैयार हो रहे हैं लेकिन भावहीन है। दोनों बैलेंस होना चाहिए ना, दोनों संतुलित होना चाहिए, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए। दोनों होगा तो समतोल विकास होगा, तो समाज के साथ होगा, समाज के पास होगा, समाज के साथ साथ होगा। सामूहिकता की छतरी में रहना सीखो। दूसरा, तुम्हारा रोल क्या है, मेरा रोल क्या था और क्या है और क्या होगा, और परमात्मा का रोल क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा की अनुभूति क्या है और परमात्मा के सानिध्य क्या है, इस सारे विषयों को एक सुंदर से उदाहरण से मैं आपके सामने रखने का कोशिश करता हूं। एक ही उदाहरण से सब एकदम स्पष्ट 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 नजर आ जाएगा। आप कल्पना करो कि खूब सुंदर पहाड़ी के ऊपर आपने पावर हाउस के सामने एक सुंदर बंगला बनाया है, और उस बंगले में सारे इलेक्ट्रिक के वायरिंग कर दिए, सारे इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, फ्रिज लगा दिया, टीवी लगा दिया, एसी लगा दिए, टेप रिकॉर्डर लगा दिए, रेडियो लगा दिया, सब वॉशिंग मशीन लगा दी, जितने इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट आते हैं सब बढ़िया बढ़िया चुन करके सब अपने बंगले में सजा दिए, सब लगा दिए, एकदम वायरिंग भी सब कर दिया, सबको जोड़ दिया, सब एकदम बढ़िया हो गया। उसके बाद में वो सामने जो पावर हाउस दिख रहा है उस पावर हाउस से कनेक्शन नहीं लिया, और बाद में जब रात होती थी तब आप शिकायत करते थे वो दूर एक झोपड़ी है, एक किलोमीटर दूर है, पावर हाउस से एक किलोमीटर दूर है,
लेकिन उस झोपड़ी के अंदर लाइट जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, बिजली जल रही है। मैं पावर हाउस के सामने रहता हूं, मेरा बंगला पावर हाउस के सामने है, फिर भी मेरे घर में अंधेरा है, उस झोपड़ी में उजाला है। और उस झोपड़ी के उजाले को देख करके तुम्हारे भाई अंदर इच्छा हुई कि आपके भी घर में लाइट आना चाहिए, आपके भी घर में प्रकाश आना चाहिए, आपके भी इलेक्ट्रिक के इंस्ट्रूमेंट उपयोग में आना चाहिए। तो आपने पावर हाउस को एक एप्लीकेशन दी कि मेरा बंगला पावर हाउस के सामने ही है, मेरे बंगले में भी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दिया जाए। एक अर्जी दी, कुछ दिन पड़ी रही वो, और कुछ दिनों के पश्चात आपने उसको बाद में फिर एक बार रिमाइंडर दिया। रहता है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस में एक बार अर्जी देके काम नहीं चलता, रिमाइंडर देना पड़ता है उसको। फिर एक बार रिमाइंडर दिया कि मैंने फलाने फलानी तारीख को अर्जी देके रखी, फिर भी अभी तक मेरे घर में लाइट नहीं आई है, तो मेरे घर में लाइट लगाने की कृपा करो। फिर एक रिमाइंडर, दो रिमाइंडर, तीन रिमाइंडर आप देते गए। हर महीने एक रिमाइंडर देते थे, उसको याद दिला देते कि लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। उसके पश्चात पावर हाउस की ओर से आपके अर्जी के ऊपर विचार किया गया है, तुम्हारे बार बार रिमाइंडर सुन करके उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को भेजा। इलेक्ट्रिशियन आया, आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा खंभा गाड़ दिया, खंभा गाड़ करके आपके घर का कनेक्शन उस इलेक्ट्रिक के वायर के साथ कर दिया, आपके यहां मीटर लगा दिया, आपके यहां बंगले में कनेक्शन कर दिया। और इलेक्ट्रिशियन ने कनेक्शन करने के बाद में इलेक्ट्रिशियन चला गया, और चला जाने के बाद में आपको आपके बंगले के लाइट खुद को ही जलाना पड़ेंगे। आपको इच्छा हुई तो आप नाइट लैंप जलाओ, आपकी इच्छा हुई आप 40 का बल्ब जलाओ, आपकी इच्छा हुई आप 100 का बल्ब जलाओ, आपकी इच्छा हुई ऐसे बड़े बड़े फ्लड लाइट लगा लो। लेकिन आप इच्छा करो कि इलेक्ट्रिशियन आके रोज रात को आपके घर के लाइट जलाए और रोज सुबह आके बंद करे। तो दुनिया में कोई ऐसा इलेक्ट्रिशियन है क्या जो आपके घर रोज शाम को आके लाइट जलाता होगा, सुबह जाके बंद करता होगा? कोई नहीं है। वो इलेक्ट्रिशियन चला जाएगा क्योंकि उस इलेक्ट्रिशियन के पास में बहुत सारा काम है, बहुत सारे रिमाइंडर और आए हुए पावर हाउस में, उसको दूसरे बंगलों में कनेक्शन करने जाने का है, तो वो चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा एक पावर हाउस है, उसमें जब बार बार आपने प्रार्थनाएं की होगी, आपने प्रेयर की होगी, मेरे जीवन में भी कोई परमात्मा की अनुभूति आ जाए, मुझे भी कोई परमात्मा के दर्शन हो जाए, कहीं मुझे भी परमात्मा अनुभव हो जाए, कहीं परमात्मा की अनुभूति मेरे को भी प्राप्त हो, तो पावर हाउस ने मुझे इलेक्ट्रिशियंस के रूप में आपके जीवन में भेजा है। मैं इलेक्ट्रिशियन हूं, आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ कर दूंगा, आपके बंगले का कनेक्शन, देह रूपी बंगले का कनेक्शन परमात्मा रूपी पावर हाउस के साथ कर दूंगा। और कर देने के बाद मैं टाटा हाय हाय बाय बाय मैं चला जाऊंगा। और मैं चले जाने के बाद फिर आपको ही आपके लाइट जलाना होंगे। आप जितना ध्यान करोगे, जितना मेडिटेशंस करोगे, उतनी आपकी ही आत्मा प्रकाशित होगी, उतने ही बड़े बड़े फ्लड लाइट आपके भीतर भी जलेंगे, आपके भी घर में उजाला होगा। लेकिन आपके लाइट आपको ही जलाना होंगे। मेरा कार्य समाप्त तो हो गया। तुम्हारे जो बार बार रिमाइंडर थे, कहीं जीवन में अच्छे कार्य किए होंगे, कहीं पुण्य कार्य किए होंगे, उन्हीं कार्यों के कारण आपके जीवन में परमात्मा ने मुझे भेजा है, तो परमात्मा ने अपना कार्य कर दिया, मैंने कनेक्शन करके मेरा कार्य कर दिया, मेरा रोल खत्म। अब कल से आपका रोल चालू होगा। ध्यान करोगे तो लाइट जलेंगे, नहीं करोगे नहीं जलेंगे। जैसे या तो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेके भी मेन स्विच ऑफ करके रखोगे तो भी रहेगा, ये ध्यान सीख करके भी ध्यान नहीं करोगे तो भी चलेगा,
क्या करने का है इसका निर्णय आपको ही आपका करने का है। अब परमात्मा का रोल खत्म, मेरा रोल खत्म, सबका रोल खत्म, आपका ही काम है, जो करना है करो। दूसरा, मुझे भी पकड़ करके मत रखो। जैसे हम देखते कि नहीं, अपने को दिल्ली से अजमेर आने का है तो क्या करेंगे, एखादे हाईवे का चुनाव करेंगे, एखादा बड़ा हाईवे पकड़ो, हाईवे से एकदम फास्ट ट्रैक, फास्ट में जाती एक्सप्रेस हाईवे, छोटे छोटे गांव में से नहीं आएंगे, गली गली में से नहीं आएंगे, वहां बहुत ट्रैफिक लगता है, बहुत झमेले रहते हैं, एखादा एक्सप्रेस हाईवे पकड़ो, उस एक्सप्रेस हाईवे से फटाक से अजमेर पहुंच सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे खूब सुंदर सा दिखा, खूब बढ़िया लगा, आहा क्या सीनरी दिख रही है हाईवे के ऊपर, तो वहीं पे गाड़ी खड़ी करके बैठ जाते हो कि हाँ सीन दिख रहे हैं, तालाब दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, पुलिस वाले डंडे मारेंगे, हाईवे के ऊपर गाड़ी खड़ी करना मना है, वहां खड़ी नहीं कर सकते। हाईवे कितना भी सुंदर लगे, हाईवे कितना भी अच्छा लगे, कितना भी मन को भाए, रुकने की इच्छा हो, तो भी हाईवे पे नहीं रुक सकते। क्यों नहीं रुक सकते? क्योंकि वहां पे रुकना मना है, वहां से आगे बढ़ने का है, आगे बढ़ने का है, आगे बढ़ने का है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे को भी चिमट करके मत रहो, मेरे को भी पकड़ करके मत रहो। मेरे को पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, हाईवे जैसी स्थिति होगी, हाईवे के ऊपर आप चक्का जाम करके बैठ गए तो क्या होगा, ये होगा कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, और उस चक्का जाम के कारण जो पीछे से आने वाले लोग हैं, जो पीछे से आने वाली गाड़ियां हैं, उनका भी ट्रैफिक जाम करोगे। तो ठीक उसी प्रकार से तुम अगर मेरे को पकड़ करके बैठ गए तो क्या होगा, तुम्हारी भी प्रगति नहीं होगी, और जो पीछे से आ रहे वो आके स्ट्रक हो जाएंगे, वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हाईवे पे चक्का जाम मत करो, मेरे को भी पकड़ करके मत बैठो, मुझसे ग्रहण करो और आगे बढ़ो। अरे बाबा, हाईवे कभी किसी के घर तक जाता है क्या? हाईवे हाईवे है, घर घर है, पतली गली ढूंढना पड़ेगी हाईवे से, और वो पतली गली में से धीरे धीरे घर पहुंचोगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी कुछ काम नहीं आएगा, आखिरी में मोक्ष की प्राप्ति के लिए खुद तुम स्वयं ही जिम्मेदार हो, तुमको अकेले को ही पहुंचना पड़ेगा, वहां तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। पतली सी गली है, सकड़ी सी गली है, सकड़ी सी गली में से तुम और तुम्हारी आत्मा बस, और कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हाईवे हाईवे रहता है, घर तक नहीं पहुंचाता। तो तुमको अभी मोक्ष रूपी अगर घर तक पहुंचने का है तो पतली गली ढूंढना पड़ेगी, और पतली गली में से अकेले सफर करना पड़ेगा, अकेले को जाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे भी चिमट करके मत रहो, मुझे भी पकड़ करके मत रहो, मुझे भी फ्री कर दो, ताकि दूसरे उस हाईवे से आगे पहुंच सके, आगे जा सके। तो सदगुरु एक एक्सप्रेस हाईवे शरीर का है, कितना भी अच्छा लगा, कितना भी प्यारा लगा, सुनने को बड़ा अच्छा लगा, तो भी वहां पे जम करके मत बैठो, ग्रहण करो, लो और आगे बढ़ो। अगर बढ़ोगे पहुंचोगे, नहीं बढ़ोगे तो नहीं पहुंचोगे। पहुंचना आपको ही आपका होगा। दूसरा, मेरे कपड़ों के ऊपर मत जाओ, मेरे भेष के ऊपर मत जाओ, क्या पहन रखा है उधर भी मत देखो, क्योंकि ये तो बाहरी चोला है, ये बदलते आया है और बदलते रहेगा, स्थाई नहीं है, पहनाया गया है। एक बार रामकृष्ण मिशन के कुछ डॉक्टरों का शिविर ले रहा था, तो शिविर में स्वयं मठाधीश भी बैठते थे, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत बड़े थे। शिविर समाप्त होने के पश्चात मैं जाकर उनको मिला, उनकी चरण वंदना की, प्रार्थना की। गुरुदेव, आपने मेरा शिविर
अटेंड किया, ये गुरु का प्रसाद है, मैं तो वेटर के रूप में बांट रहा हूं, लेकिन मेरे बांटने में कहीं कमी रह गई हो, मेरे बांटने में कहीं सुधार लग रहा हो, कुछ तरीके में चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ आपके सुझाव हो तो मेरी इच्छा है आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, आप मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या चेंज करूं, क्या बदलाव करूं ताकि ये कार्य और अच्छे से हो सके। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा कार्यक्रम तो ठीक है, अच्छी जानकारी देते हो, सरल भाषा में देते हो, आसानी से समझ में आती है, लेकिन तुम पूछ ही रहे हो तो मेरे मन में जो आया वो बता देता हूं। मेरे मन में ही आया, तुम्हारा माल तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा पैकिंग खराब है। मैंने पूछा, यानी मैं उस समय एक लुंगी और एक कुर्ता पहन करके कार्यक्रम देता था, तो बोले कि जब आध्यात्मिक कार्यक्रम दे रहे हो तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति सरीके का अपना परिवेश रखो ना, आध्यात्मिक व्यक्ति सरीके अपने कपड़े रखो ना। तो मैंने उनको बताया कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को अगर मैं एक स्टेप पे बैठूं और उसको बोलूं आ जा, तो बच्चा ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेप पे बैठा हूं। अगर मैं 50 स्टेप ऊपर जाके बैठ जाऊं और मैं बोलूं आ जा, तो बच्चा ऊपर की ओर देखेगा, बोलेगा नहीं रे बाबा, 50 स्टेप अपने से नहीं चढ़े जाते, वो बैठ ही जाएगा, वहां आएगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से मैं सामान्य मनुष्य जैसा रहता हूं, और वैसे भी गुरु प्रसाद के कारण लोग ऐसे ही प्रभावित हो जाते हैं, तो फिर कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता है, फिर वो मेरा और उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मेरा और उनका अंतर बढ़ जाएगा, और वो फिर मेरे पास नहीं आएंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, मेरी बातें को सुनेंगे नहीं, वो सोचेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत महान हो गए, हम नहीं हो सकते।